पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र के सागर सराय में सोमवार रात एक बहू के लिए ससुरालियों ने दरवाजा बंद कर लिया। वो घंटों गेट पर बैठी सुबकती रही, लेकिन ससुरालियों को उस पर कोई रहम नहीं आया। रात करीब 11 बजे पीड़ित अपनी माँ और पिता के साथ कोतवाली पहुंची और उसने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ तहरीर दी। कोतवाली क्षेत्र के सागर सराय निवासी सुशील धवन के बेटे दीपक धवन की शादी 20 मार्च 2021 को पंजाब के फिरोजपुर सिटी निवासी तरसेम कुमार की बेटी शालू के साथ हुई थी। सुशील कुमार की काशीराम नगर में कपड़े की दुकान है। दीपक भी इसी दुकान पर पिता के साथ बैठता है। शालू ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले दीपक के परिजनों ने बताया था कि दीपक शराब नहीं पीते हैं। शादी के 3-4 माह तक तो वैवाहिक जीवन ठीक चलता रहा। आरोप है कि इसके बाद पति और उनके परिजनों ने तरह तरह से शालू को परेशान करना शुरू कर दिया। शालू ने बताया कि इसके पति के शराब पीने के बारे में भी उसे जानकारी हो गई थी। इसी बात को लेकर घर में कलह रहने लगी। सूचना मिलने पर शालू के मायके वाले यहां आ गए और शालू को अपने साथ फिरोजपुर ले गए थे। 6 माह बाद भी दीपक शालू को बुलाने के लिए फिरोजपुर नहीं गया। 15 दिन पहले शालू अपनी माँ को लेकर ससुराल आ गई, तब से शालू यहीं रह रही थी। 2 दिन पहले शालू से उसके ससुर और अन्य सदस्यों ने कहा कि शालू अब तुम अपने पिता को बुला लो, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पिता लिख कर दे दे कि हमारी बेटी अब कोई गलती नहीं करेगी, इसके बाद ही तुम्हें घर में रखा जाएगा, वरना तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। सोमवार सुबह करीब 4 बजे शालू के पिता मुरादाबाद आ गए थे। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर में परिवार के सभी लोग शालू उसके माँ बाप को काशीराम नगर स्थित गुरुद्वारा ले गए थे। पीड़ित का आरोप है कि वहां से एक एक करके ससुराल के सभी लोग गायब हो लिए। शालू और उसके माँ बाप रात करीब 8 बजे सागर सराय आए तो दीपक के मकान पर ताला लगा हुआ था। 3 घंटे बाद भी ससुराल के लोग घर नहीं पहुंचे, तब तक शालू मकान के बाहर ही बैठी रही, जिसे देखकर वहां काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। सर, मेरा झगड़ा हुआ था, 4 महीने मेरी शादी हुए थे, तो मेरा थोड़ा सा घर पे झगड़ा हो गया था बैठे बैठे, तो मेरे को ये गुरुद्वारे में लेके गए हैं। चलो मेरे पापा को बुलाए, चलो बात करेंगे आपको घर पे, वहां से जाके मेरे को वहां से छोड़ दिया उन्होंने। तो मेरे को मेरी सास ने बैग देकर छोड़ दिया और मेरी जठानी का पूरा इंटरफेयर था। बाद में चलो मैं इनकी, मेरे घर वालों ने बहुत मिन्नतें की, बहुत जाने को घर पे भेजा, इन्होंने इनकार कर दिया भी हम रखेंगे। अब आप कब से यहाँ पर बैठे हुए भाई? अब मेरे को, मैं 1 तारीख को इनके घर पे सुबह आई हूँ, ठीक है, तो मैं और अपनी मम्मा को लेके आई हूँ। चलो ये नहीं मानते, चलो मैं अपने, मेरी माँ कहती है मैं तेरे को छोड़ आती हूँ घर पे देख। तो जब घर पे आए तो चलो भी ये सारे पहले परेशान हो गए, इनको पता नहीं था मैं आ रही, आए तो इन्होंने ये सारे ऊपर चले गए निधि के पास। तो बाद में चलो मेरे घर वाले फिर आए, मेरे फैसला करने आए, मेरे चाचे ताए सब इकट्ठे हुए डेरे में। मैंने कहा भी मैं तो, ये तो मेरे को कहते थे तू बाहर चल, जब तू आई है गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए चल। मैं कहा फैसले घर पे होते हैं भाई साहब। मैंने कोई पूछ नहीं तब किया, कोई कुछ भी नहीं किया, और मैं घर पे आके बैठ गई। इन लोगों की, इसकी भाभी ने, इसकी माँ ने, और इन्होंने पुलिस कर रखी यहाँ पे मेरे को, बापी बाहर रपट लिखाने के लिए चले तो हम इनको घर से निकाल दे। तो मैं इस बात के वजह से चलो मैं जैसे भी कॉम्प्रोमाइज करूंगी, जो मैं एक बार बोली थी तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, चलो मेरे को एक बार बोलने के लिए माफी दी जाए। इन्होंने नहीं मानी। अब सारा फैसला हो गया वहां पे गुरुद्वारे में बैठ के, मैं घर पे बैठी, मेरे ताए चाचे आए, सबको मना लिया वहां पे। उल्टा दीपक और उसकी मम्मी बहन सब जाके हमारे चाचे ताओ के जो गले भी पड़े वहां पे जाके इन्होंने अलग तमाशा किया, ये कह के भेज दिया हम लड़की को रख लेंगे, आप लड़की को बुलाओ कि हम 2 मिनट बात करेंगे। जब हम बात करने के लिए, जो उसकी ताई है ऊपर ली, सोनू की मम्मी, और इसकी बुआ है एक, मेरे डैडी की बुआ आई थी, वो घर पे आए और साथ में मिक्की और सोनू भी लेने आए मेरे को, और मेरे जो चाचा थे, अंकल चाचा थे, वो भी लेने के लिए, जो लड़की को माथा टिकाने के लिए ले जाए। हमें बैग भी नहीं उठाने दिया, कह रहे चलो चलो दीपक आपसे बात करेगा। दीपक ने वहां पे 2 मिनट बात की और उसकी माँ ने भगा दिया वहां से उसे, तो भावे आके जंदरा लगा लिया। अब उसके बाद में क्या हुआ फिर भाई? फिर मैं शाम को घर पे आई, चलो राजेंद्र में फिर शाम को घर पे आई, तो उन्होंने सारे लॉक लगा के वहां से चले गए। जहाँ पे डेरे पे दुकाने थे तो बैठे, तब उसकी मम्मी ने तब मेरे को हाथापाई करी।
तो अब आप कब से तो यहाँ फिर बैठे? हमने कहा भी लड़का कहाँ पे, लड़का कहाँ पे। मैं कहा दीपक को बुलाओ, उसका डैडी कहता दीपक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कर लो जो करना है। फिर मेरे को कहते हैं तू कोर्ट पे चल, कोर्ट पे चल। पहले ये बताओ, एक बोलने के कारण लड़की को छोड़ा जाता है क्या इसकी? कब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? अब मैं पहले एक दो बार बीच में आई हूँ तो फिर चली जाती हूँ, फिर देखने के लिए आ जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ। अब कब तक आप बैठेंगे यहाँ पर इस घर के सामने? जब तक ये आएंगे नहीं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।